क्योंकि मुझे एक बलात्कारी से गर्भ धारण करना है। एक लव्य और शंभू, मैं तुम्हारे एकांत से ईर्ष्या करती हूँ क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और ब्राह्मणों की दुनिया दूर करना चाहती हूँ। तो ये कविता अच्छा है। उसके बाद तो जैसा कि होता है, आत्माएं एक दूसरे को खोजती हैं हो जाए। और 8 मार्च के दिन पानीपत में एक कविता महिला कवियों के कार्यक्रम अपना गाया डॉक्टर ड्राइवर काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। सेक्स वर्कर से काम है, दांत पड़ा कभी मिलेंगे तो मैं मिलवाऊंगी उनसे। तो उन्होंने उस कविता के कार्यक्रम में जो उन्होंने कुछ कभी महिलाएं बताई और उनसे कहा आप बताइए कुछ, तो मैंने जो है नाम लिया रजनी तिलक का। मैंने कहा आपको जो लिस्ट बना रखी है उसमें कोई दलित महिला लेखिका नहीं है, उनको आप शामिल कीजिए। तो और तब आपसे मैं जा नहीं पाई उस कार्यक्रम में, दिल्ली थी की गेस्ट हाउस में थी, मुझे कुछ काम था। तो रजनी का मेरे पास फोन आया वहाँ से पानीपत से, मैं यहाँ बस स्टैंड पर खड़ी हूँ, मुझे खाद नहीं मिल रहा है, किधर जा रहा है ये ब्राह्मण राय साहब को फोन किया कि वो खड़े हैं तो वो आए वो उनको ले गए। इस तरह हमारे पास थोड़ी थोड़ी मुलाकातें किसी किसी तरीके की है, फोन पे किताब में कहीं। एक कार्यक्रम जो है वो इसमें हुआ था साहित्य अकेडमी में हुआ था, तो महिला कवियत्रियों का, तो उसमें मैंने भी कविताएं पढ़ी थी और रजनी ने भी कविताएं पढ़ी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा वो सपोर्ट था एक जो आगे निकल नहीं पाया, महा अभिमुख नायक, अभिमुख नायक जो महा अभिमुख नायक जो पार था जो पहले बेटे अभिनय कर मुख अभिमुख नायक पहला